रेलवेज में सफर करना हम सबको बहुत पसंद है, बट क्या हो जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और आपको पता है कि आगे जो आने वाला स्टेशन है उसमें ऐसी कई आत्माएं मंडरा रही है जो कि वहीं कट के मरी हुई है पास्ट में। अब क्या करोगे? सुनने में एक स्टोरी की तरह लगता है, बट इंडिया में एक ऐसी रेलवे स्टेशन है जो कि भारत में जितने स्टेशन है ना उसमें से सबसे हॉन्टेड स्टेशन है। और ये छोटा सा रेलवे स्टेशन सिर्फ एक आत्मा की वजह से, सिर्फ एक आत्मा की वजह से 42 साल तक बंद रहा। मतलब स्टेशन को बंद करने का पावर जो होता है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास होता है, कॉमन इंसान थोड़ी बंद कर सकता है किसी स्टेशन को। बट यहाँ पे कॉमन इंसान क्या, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रेलवे के कर्मचारी, MLA, ये लोग भी मानने लगे कि उस जगह पे कुछ ना कुछ है। कहानी ये है, 1960 में एक नया स्टेशन वेस्ट बंगाल के पुरुलिया के थोड़े दूर बाद एक जगह है बेगुन कोडार नाम का, बेगुन कोडार। और ये जो स्टेशन है ये गांव के बीच में इसलिए बनाया गया था ताकि गांव के लोग जो है ना वो जल्दी बोर्ड कर सके ट्रेन को, उनको दूर मेन स्टेशन पे ना जाना पड़े। तो अचानक से खबर आई कि एक लड़की ट्रेन को बोर्ड करते समय शायद दौड़ते हुए चढ़ रही थी तो वो मर गई वहीं पे, उसका बॉडी ट्रेन से दबा गया, ऐसा कुछ हुआ था। कुछ क्लियर नहीं है कि क्या हुआ था, बट 1960 में यहाँ पे ये स्टेशन खुला। बट 1967 यानी 7 साल बाद क्या हुआ कि वहाँ जो स्टेशन मास्टर रहता था ना उसको हर रात को एक लड़की दिखती थी डेली। पहले दिन देखी कि वो ट्रेन को दौड़ दौड़ के चढ़ने की कोशिश कर रही है, उसको लगा कोई होगा रियल लड़की। दूसरे दिन भी सेम चीज, सेम कपड़ा और सेम जगह। तीसरे दिन जब ट्रेन आई तो फिर भी वही देखा, तो वो समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा था। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उस स्टेशन मास्टर की मौत हो गई। उसके बाद जो भी वहां आता सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने लगता। फिर वो लोग ये कहने लगे कि हम नौकरी छोड़ देंगे, नहीं कमाना हमें पैसा, लेकिन इस स्टेशन में आके अपने सर्वाइवल को ये नहीं करेंगे। इस स्टेशन में एक आत्मा है जो कि हमारे लिए खतरा, और मैं भारत के किसी भी स्टेशन में स्टेशन मास्टर काम कर लूंगा बट बेगुन कोडार में नहीं करूंगा, ये बोलने लगे वहां के एम्प्लॉयज। और इवेंचुअली 1967 के एंड में जाके टिकट काउंटर, हॉल, वेटिंग हॉल, ये सब वहाँ का बंद कर दिया गया। खौफ इतना बढ़ गया था कि उस टाइम जब एकाध जो ट्रेन जाता था ना, तब जो ड्राइवर था जब वो देखता था कि बेगुन कोडरा आने वाला है, तब वो ट्रेन के स्पीड को पूरा डबल कर देता था, पूरा बढ़ा देता था, और सारे पैसेंजर्स अपने जो ट्रेन की विंडो है उसको पूरा कम्प्लीटली क्लोज कर देते थे ताकि उन्हें कोई एंटिटी ना दिखे, और सारा गेट अंदर से पूरा टाइटली क्लोज कर दिया जाता था। और 42 साल मीन्स 1967 से साल 2009 तक सिर्फ उस आत्मा के चलते इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। कितने बार अथॉरिटी से बात की गई वहाँ के MLA से, बट वो सब यही बोलते थे कि जो लोग बोल रहे हो गलत नहीं है, और वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और अथॉरिटीज जो थी ऑफिशियल वो खुद ये मान रहे थी। बट फाइनली 2009 में जाके ममता बनर्जी जो कि उस टाइम की रेलवे मिनिस्टर थी वो फाइनली इस स्टेशन को ओपन करवा दी, एंड तब से ये स्टेशन खुला हुआ है। और जब ये ओपन हुआ तब से अभी तक एक्टिव है, और अभी के टाइम पे वहाँ पे दिन में तो ये नॉर्मल स्टेशन की तरह काम करता है, ट्रेन आता जाता है, बट आज का टाइम भी वहाँ पे रात में लोग हमेशा उसी खौफ में रहते हैं, और रात में अभी भी लोगों को पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता है। हालांकि अभी के टाइम पे बहुत कम है, बहुत लोग जाते भी है रात के टाइम एडवेंचर के लिए, टूर के लिए कुछ दिखता नहीं है, बट उस स्टेशन का हॉन्टिंग पास्ट, हॉन्टिंग इतिहास आज भी ड्वेल करता है। सब लोग उस वाइब को उस स्टेशन में फील कर पाते हैं। तो ये था पूरे इंडिया का सबसे हॉन्टेड स्टेशन जो कि 42 साल कम होता है क्या, 42 साल तक बंद था, सुन सकते हो कुछ तो था वहां पे। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।